ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਨਜ਼ਾ ਨੇ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਨਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਵੀ ਆ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਟੋਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੀਏ ਫਿਰ ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਟੂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਤਲਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜਲੂਸ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ 740 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰੋ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ,
जे को साडा धर्म कबूल करता है उसनू बख्श दिता जाएगा। उस भाईओ लियाओ एक नू ओ जलाद पहला मैं ओ जलाद पहला मैनू मुक्ति दे पहला मैं उसनू बोलो अर सिख हो अपने ही मन को हर कैदी सिंह सब तो पहला शहीद होने कारस हर चढ़ते सूरज नाल 100 सिंह शहीद कर देते जाते 7 दिनों में 700 सिंह शहीद कर देते गए। 700 सिंघां नूं उहनां दे साथियां दे सामने ही कतल करन दी लई लिजांदा गया। फिर भी उहनां चों किसी दा फैसला नहीं बदलिया। हर कतल दे बाद साडी उम्मीद घटदी गई ते उहनां दे इरादे मजबूत हुंदे गए। 3 महीने जेल विच सड़न दे बाद भी ना तां कोई सिंघ ते ना उह बंदा अपना धर्म छड्डण नूं तैयार है। सिर कलम कर दिओ सारा परिवार खेरू खेरू हो गया। 40 सिंघां ते 2 पुत्रां समेत गुरु साहब ने चमकौर दी गढ़ी विच डेरा लाया। 10 लख दी फौज लै के वजीर खान ने हमला बोल दिता। दुश्मन नाल लड़दे हुए पहला बाबा अजीत सिंह शहीद हुए, फिर बाबा जुझार सिंह ने गुरु पिता तो आशीर्वाद लैके जंग विच जाके वीर गति प्राप्त की। लालच ने माता जी ते छोटे साहबजादियां नूं वजीर खान दे खूनी पंजां विच सौंप दिता, जिसे काजी नाल मिलके छोटे साहबजादियां नूं दीवार विच चिण के शहीद करन दा फतवा सुना दिता। दीवार ने बच्चियां दी बहादरी दी दाद दित्ती ते उन्हां दे चरणां ते डिग पई।
वजीर खान का इशारा पाके जल्लादा ने बच्चों के सिर कलम कर दिते। इस तरह गुरु साहब ने सरपंच वार के मानवता की खातर अपना फर्ज निभाया। पर इस दे उलट उस टुटी हुई दीवार नू लोकी आके प्रणाम करते। कईयां नू तां उत्थों वाहेगुरु दियां आवाजां सुनाई दिंदियां सन। साहबजादियां दी कुर्बानी वाली जगह ते कोई श्रद्धालु हर महीने उन्हां दी शहीदी वाले दिन जोत जगा जांदा। कौन जगा जांदा यह पता नहीं सी चलदा। अज भी इस महीने दी उही तारीख है। वजीर खां दी दहशत अगे एक केड़ा सिर सी जिहड़ा झुकण लई तैयार नहीं सी। जनाब बेशक बुढ़ापे च मेरी नजर कमजोर हो गई है पर अच्छे बुरे की पछाण है। इन मैं पहले इतना कदे नहीं देखा। ए जोत तू जगाई है? जोत तो साहिबजादे अपने बलिदान दी साडे दिलां च जगा गए ने जिहड़ी हमेशा जगदी रहेगी। ओए कुड़िए दरोगा सब नाल उच्चा बोलदी चल भज जाए तू चल नहीं तो तेनों भी बाकी हमदर्दा वांग कार कोठड़ी च बंद कर दिता जाएगा चल भज जाए तू। कमरुद्दीन लोकां नूं तां असीं कैद कर लवांगे पर उन्हें आवाजा किमें कैद करा जिड़िया इस दीवार चो आदियां ने। ता ही इस लड़की के दीवे जला तो थोड़ी देर बाद मैं दीवे इतों चुक लेंदा हाँ। इस तरह उसकी श्रद्धांजलि भी पूरी हो जाती है तो सरकार के कन्ना तक गल भी नहीं जाती। होर मैं की आखा मैं खुद कई बार जो इतों की लंघता हाँ तो मैं वाहेगुरु दवाजा सुनाई दी। अपने दरबार च दो सिख आली सिंह ते माली सिंह नूं दीवान दी पदवी दे रखी है। हुण तां दस दिओ किहड़ी परेशानी है जिहड़ी तुहानूं अपनियां उंगलां दे पटाके पाउण लई मजबूर कर रही है। गोबिंद सिखां दा गुरु जिहड़ा हमेशा मेरी मार तों बचदा रहा मैं उसदे बच्चे तक मरवा दित्ते फिर भी उहने आके मेरी चौकट ते सिर नहीं चुकाया। मैं भावें पूरे सिंघां नूं क्यों ना खत्म कर देवां जद तक उहनां दा गुरु जिउंदा है मेरी समस्या ज्यों दी त्यों बणी रहेगी। अच्छा किड्डा है बेवकूफ यार किन्ना पागल है कि हजे तक इहदी बदले दी अग जिहड़ी आ उह खतम नहीं होई शांगा और हजे तक इहदा इहदा दिल ही नहीं भरिया हजे तक इह पिछे लगा उहनां दे। और आ सुचानंद दे बारे च आंडिया सी कि इह हिंदू मतलब सी ना ते इहनां दे दरबार दे विच इह चाहुंदा ही नहीं सी कि कोई सिखां दे नाल इहनां दा कोई आपस च लिंक बणे जां किवें ते इही ज़्यादा वेख्या मशवरे दे दे के तुसीं एवें करो ते तुसीं एवें करो ते बड़ा मतलब वेखने फिर अगे चार अगे बंदा सिंह बहादुर किवें बनते हैं क्योंकि शुरू च ते उन्होंने स्टार्ट से सानूं विखाया कि बंदा सिंह बहादुर की एवें डैथ हुई एवें उन्होंने शहीद किया गया और उन्होंने बच्चे ते किन्ना जुलम किया गया ते वेखिए फिर अगला पार्ट। हाँ जी अगला पार्ट वेखते हैं फिर।